नियमों को ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग कंपनियां ओबी डंप कर रही हैं। लगातार गर्म ओबी डंप करने से झुलसने के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में बुधवार को गोदर काली बस्ती के समीप बीएलसीसी इंफ्रा नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा गर्म ओवी फेंकने से शौच करने गई महिलाएं और बच्चे झुलस गए। आनन फानन में स्थानीय लोग पहुंचे और सभी को इलाज हेतु SNMMCH में भर्ती कराया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए परिजन राहुल ने बताया कि VCCL एवं उसके अधीन कार्य कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियां मनमानी करती हैं और नियमों की अनदेखी करती हैं। लगातार गर्म ओवी नीचे फेंका जाता है, जिससे आसपास के लोग खतरे में रहते हैं। सुबह सभी शौच के लिए गए हुए थे, उसी समय गर्म ओवी फेंकने से सभी झुलस गए। चीख पुकार मचने के बाद सभी लोग जमा हो गए और SNMMCH में इलाज हेतु भर्ती कराया। करीब 5 से 6 लोग को झुलस गए हैं। कुछ का अशरफी अस्पताल में तो कुछ का स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। वहीं SNMMCH पहुंचे झामुमो के केंद्रीय सदस्य जग्गू महतो ने बताया कि VCCL की मनमानी के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां भी नियमों की अनदेखी कर ओवी डंप करती हैं, सभी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बाथरूम गया था ना, के बजे हुआ? 5 बजे। और ऊपर से क्या गिर गया? वो भी गिरा, मतलब आग वाला। वो आग वाला? हाँ। उसके बाद कौन था उस टाइम पे? उसमें ढेर बटा था। कौन कौन नाम मालूम है? हाँ, ज्योति है। हाँ। एको के गोली है। हाँ। एको के बंदी कुमार। हाँ। हमारा। हाँ। एको के नाम से एको नहीं जाता। अपना नाम बता। अपना तेरा क्या? बंदी। पापा का नाम पता? शंकर राम। घर में बाथरूम नहीं है? घर में बाथरूम नहीं है, गरीब दुखिया है, जाते हैं करने के लिए, ऊपर से भी गिरा देता है। ठीक। स्कूल जाता है? हाँ। जो भर्ती है मेरा लड़की है। कैसे हुआ? सोचना गया था सवेरे, बाथरूम नहीं है हमको मेरा लोग के। अच्छा। पत्थर उत्थर में घुसता है जाता है सवेरे, होने वाला तो फिर निकल गिराते हैं रेजी, वही से भाप लग के सीज भी है आग। अच्छा। आप कुछ में नहीं, पहला पहला नहीं जाते हैं चुनने के लिए। तो उस समय कौन कौन था मालूम है? ये तो 2 लड़की गया था साथ। अच्छा। ऊपर से क्या गिरा था? आग वाला रेजिंग गिरा था। रेजिंग गिरा था, नीचे में बैठा था पत्थर में। अभी कैसा है स्थिति? ठीक है ना? हाँ ठीक। उनके साथ आप लोग भी था ना? हाँ, एक लड़की आ था, वो भी जल गया। वो भी जल गया ना। क्या नाम है इसका? रानी कुमार। आपका? अमेरिकी गई। ठीक है। सोच करने के लिए गई थी सुबह, मतलब 6-7 बजे लगभग। तब अभी सोच करने का जगह नहीं है काली बस्ती में, न बाथरूम है, न पानी है, न यार कुछ है। ये लोग पहाड़ी में छुप कर, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर पहाड़ी में छुप छाप कर मतलब सोच करती है। बगल में वो भी गिरती है, BLA आउटसोर्सिंग कंपनी चलाती है। कौन है आउटसोर्सिंग कंपनी? ये नाम तो नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम BLA आउटसोर्सिंग के नाम से उसको जानते हैं। ये गोदर में संचालित है, केंद्रवाटी थाना अंतर्गत में आता है, समझे? तो वो भी गिर रहा था, तो उसी का जो अभी जो गिरा ना, उसी से जो डस्ट आया उसी उसको लग गया। गर्म ओवी से? हाँ, गर्म ओवी से इसका मतलब हो गया। कितने लोग झूलते हैं? पता तो चल रहा जो साथी 6-7 को लगभग हम लोग को पता चला कि भाई हल्ला गुल्ला हुआ बस्ती में, तो हम लोग गए वहाँ पर दौड़ के, सब बस्ती वाला सब दिया उठा फुटा कर सब हम लोग लाए। कई लोग लाए हैं? अभी तो यहाँ 3 को है, सुनते हैं में है, जलान में है, और तीन गो में महिला कितना है, बच्चा कितना है? सब तो बच्ची है, कोई 18 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 8 साल का है। 4 गो महिला है, तीनों महिला है। सभी का स्थिति जो है बहुत खराब है। एक बच्चा है, लड़का है, सब बच्ची है, मान के चलिए बच्ची है। बच्चा वो गिया था, मतलब 2 मतलब महिला है, एक लड़का है। हाँ, और भी है महिला, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया है, समझे? डॉक्टर अभी बोला है कि इसका स्थिति खराब है, कहीं हो जाइए इसको। कई लोग का स्थिति मतलब घर का स्थिति खराब है, पैसा कौड़ी लोग का पास है नहीं, इलाज करने के लिए कहाँ जाएगा? आप कौन है? सबसे बड़ा लापरवाही है विशेषज्ञ प्रबंधन का है, और
आउटसोर्सिंग प्रबंधन का है। इन लोग के हम बार बार मना करते हैं कि आप लोग वो भी इधर मत गिराइए, डंप मत कीजिए। ये लोग अपना मनमानी ढंग के तरीके से अपना वो भी गिराते हैं और विरोध करते हैं, तो इसको बोलता है उल्टा झूठा केस में फंसा देंगे तुम लोग। आप कौन है? हम रानी का जीजा है, जो भर्ती है उनका जीजा है। मतलब कहाँ का रहने वाला है? सब उधर काली बस्ती का ही रहने वाला है। ये घटना काली बस्ती में हुआ है? ये घटना काली बस्ती के बगल में, मान के चलिए उधर 14 नंबर रखी है, 14 नंबर या 15 नंबर। जो वो भी गिरा रहा था, वो गर्म वो भी गिरा था है। वो गर्म वो भी गिर रहा था, वो भी जब गिरता है ना, वो भी ऐसा आया कि मतलब हवा की तरह आया था, वैसे पूरा दूर तक उसका गया, उसका जो धूल जो गर्दा होता है बहुत दूर तक उड़ा, और वही जो उड़ा धूल इस पर लग। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।